जैिंद भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बहुत बच्चे हमारे साथ लाइव बहुत बच्चे गुड इवनिंग तो सभी का पहले तो स्वागत है आपका आरजीबी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे आप लोगों का वेट खत्म हुआ टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आज से ठीक है और ये जो क्लास है ये मेरे सभी बैचेस में चलेंगे जितने बैचेस हैं क्योंकि सभी में ये टॉपिक पेंडिंग था और आप लोगों ने मुझे जो वक्त दिया स्पेशली फर्स्ट अप्रैल बैच के स्टूडेंट और 24 मई बैच के स्टूडेंट उसमें मैं आप लोगों के लिए काफी जबरदस्त काम कर पाया ठीक है अगर आप देखेंगे तो इसके पहले अरिथमेटिक के आपको कोई भी पीडीएफ जो मिलती थी वो सिंगल पीडीएफ होती थी एक या दो लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो आप लोगों को टोटल पांच पीडीएफ मिलने वाली है 500 पीडीएफ कैसे मिलने वाली है वो भी देखिए यह जैसे आपका शीट जो है ये अपडेटेड शीट हो गया पूरा टाइम इस पे डिस्टेंस का अब जो आपकी शीटें जो मैं काम कर रहा हूं इसके ऊपर वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर अगर आप गौर कर पाएंगे तो पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन जैसे किताब में होता है ठीक है टाइम का डेफिनेशन स्पीड का डेफिनेशन जो है फिर कन्वर्जन जो करते हैं वो कैसे करते हैं मिनट को सेकंड में बदलना माइल को किलोमीटर में बदलना यार्ड को फीट में बदलना एवरीथिंग थिंग यहाँ पर हमने दे रखा है हर कुछ यहाँ पर अगर आप गौर करोगे जैसे कन्वर्जन ऑफ यूनिट देखो यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से आवर को किलोमीटर को मीटर को हर कुछ बता रखा है इसके साथ जितने भी थ्योरी के पोर्शन के इस्तेमाल होते हैं ठीक है थीके? वो हर बातें यहाँ पर बाइलिंगअल तरीके से लिखी हुई है इंग्लिश में भी हिंदी में भी हर तरीके से ठीक है तो ये काफी है इसके अलावा अब जो ये शीट नंबर वन है ये शीट नंबर आपको बेसिस पर है पहले एक टाइप कराया इस टाइप के ऊपर तो टाइप टाइप पूरा पूरा अब टाइम डिस्टेंस में आपको ये शीटें प्रोवाइड करवा दी फिर इसके बाद मैं सौ से डेढ़ सौ क्वेश्चन की एक दूसरी शीट प्रोवाइड करवाऊंगा ठीक है कितने क्वेश्चन की समझते चलेंगे पहला जो

ठीक है जितने भी आपके सीजीएल 2020 के हैं सी 2020 के हैं प्री के हैं मेंस के हैं सभी क्वेश्चंस इसमें अपडेट करवाए गए हैं फिर इसके बाद आता है शीट नंबर तीन शीट नंबर तीन किसका है तो शीट नंबर तीन में आपको ट्रेन की शीट मिलेगी ट्रेन के शीट में क्या होगा कि इसमें पूरा थ्योरी जो है वो एक पूरा का पूरा दे रखा है ट्रेन के जितने भी केसेस बनते हैं चाहे वो एक्सीडेंट का केस होता है या एक्सीडेंट का नहीं होता है ठीक है ट्रेन में आपको जब दो ट्रेन आमने सामने आ रही है जब दोनों एक ही दिशा में जा रही है जब एक ट्रेन चल रही है दूसरी ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर है इस तरीके से करके ट्रेन के बहुत बेहतरीन बेहतरीन टाइप बनते हैं

तीसरा जो है वो portion है 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 वो मिसलेनियस पोर्शन ठीक उसके बाद आता शीट नंबर फाइव शीट नंबर फाइव में आपका आ गया बोट एंड स्ट्रीम बोट एंड स्ट्रीम में भी जो है सेम तरीके से आपको पूरा दो पन्ने का थ्योरी मिलेगा ठीक है और थ्योरी के अलावा जो है बोट एंड स्ट्रीम में आपको मिलेगा थ्योरी और थ्री थ्योरी के अलावा तब जो है आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिलेंगे क्यों यहां पर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस और वो कैसे होंगे तो सेम तरीके से वो भी प्रीवियस ईयर के साथ पूरे के पूरे अपडेट होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात जितनी भी शीटें बनी हैं ये सभी के सभी शीटें टाइप वाइज बनी हैं ऐसा नहीं है कि कभी कोई क्वेश्चन आ गया कभी कोई क्वेश्चन आ गया कभी कोई क्वेश्चन आ गया एकदम टाइप 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 करके रीजन क्या है टाइम स्पीड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन भर बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करता है चाहे वो कहीं से पढ़ ले कितना भी क्यों ना पढ़ ले उसको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है तो ये सभी की सभी शीटे जो हैं वो टाइप वाइज कैटेगरी वाइज बना रखी है हमने और इसके साथ साथ धीरे 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 शीट में आप देखेंगे तो आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा हम एम के क्वेश्चन शुरू करेंगे और सीजल मीन और कैट तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं

कि एम के लिए पढ़ा दिया फिर जो बच्चा सीजीएल के लिए ज्वाइन कर रहा है वो कैसे पढ़ेगा जो मेन्स के लिए ज्वाइन किया हुआ है बैच वो कैसे पढ़ेगा आपको एक ऐसा कंसेप्ट आज तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाई है वो पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई है तो ये चैप्टर को हम कैसे छोड़ सकते हैं मार्कर पकड़ के आके चार दिन के चार क्लासेस में लेके टाइम इस पर डिस्टेंस खत्म कर सकता हूँ लेकिन क्यों नहीं किया रीज़न ये था क्योंकि बहुत बेहतरीन मुझे आप लोग को कंटेंट देना था और यही चीज़ अभी दो तीन दिन पहले मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किया था कि जो हमारी कंटेंट है है वो क्यों इंडिया में नंबर वन क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम हुआ है इंडिविजुअल बताओ मेरे भाई तो बहुत ज्यादा काम हुआ है इसी तरीके से जब आप ज्योमेट्री में जाएंगे तो ज्योमेट्री तो में, में कम से कम दस पंद्रह शीट आप लोगों को मिलने वाली है सभी टाइप वाइज कैटेगरी वाइज इतने बेहतरीन तरीके से ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए और आपको भी पढ़ने में मजा आए क्लियर है मेरे भाई चलो तो यहां पर अब बात करते हैं आपकी क्लासेस डेली कितने बजे लगा करेंगी तो पांच बजे से साढ़े छह बजे तक डेली जो है टाइम डिस्टेंस की क्लासेस लगा करेंगे शीट आपको कब अपलोड हो जाएगी तो आज वाली जो शीट नंबर वन है वो कल अपलोड हो जाएगी तो इसके लिए परेशान नहीं होना है काफी ज्यादा बच्चे लाइव है ठीक है अड़तालीस प्लस बच्चे जो है वो हमें लाइव देख रहे हैं इसलिए सभी के कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा ठीक है क्योंकि सभी बैचेस को मैंने मर्ज किया है छह हजार सात हजार उपर के एडमिशन हैं ठीक है तो यहां पर अभी लाइव हमारे पास अड़तालीस से ऊपर बच्चे हैं कमेंट काफी तेजी में भाग रहा है तो इसीलिए मैं हर किसी के कमेंट का आंसर नहीं दे सकता इसके लिए मुझे आप माफ करेंगे ठीक तो सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में अपना टॉपिक क्या है टाइम स्पीड डिस्टेंस ठीक फिर इसके बाद हम बाकी धीरे 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 सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में हमें क्या पढ़ना है आपके सामने कुछ परिभाषा लिखी गई है आप यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या बोला गया है सबसे पहले डेफिनेशन जो है यहां पर बोला गया है स्पीड के बारे में द स्पीड ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम ठीक है इक्या समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं चाल कहते हैं जैसे अगर हम बात करें यहां पर

ठीक है अगर इसी स्पीड को हम बोले पांच मीटर पर सेकंड में पांच मीटर पर सेकंड में यानी कहने का मतलब क्या है कि एक सेकंड में पांच मीटर भाग रहे हैं तो वो हमारी गति हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी गति हो जाएगी तो अगर एक सेकंड में पांच मीटर कल के दिन मैं बोलू दो सेकंड में कितना तो दो सेकंड में दस मीटर तीन सेकंड में आप कितना भागेंगे तो तीन सेकंड में पंद्रह मीटर क्यों आप ऐसा भाग रहे हैं क्यों आप इतनी दूरी तय कर रहे हैं क्योंकि यही आपकी गति है यही आपका चाल है ठीक है अस्मित वर्मा आप एक ही कमेंट को बहुत बार कर रहे हैं मेरे भाई नहीं समझ में आएगा ठीक है सर मेरा एक मदद कर दीजिए हम परसेंटेज से पढ़ रहे हैं अभी क्या उसको छोड़कर अभी ये चैप्टर से पढ़ें नहीं आप परसेंटेज भी पढ़ते रहिए और आप टाइम इस पर क्योंकि दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है कोई रिलेशन नहीं है आप पीछे से उसको भी कंप्लीट करिए साथ साथ इसको भी कंप्लीट करिए अब बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में जो हमें फॉर्मूला पढ़ना है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है तो डिस्टेंस बटे टाइम एकदम ध्यान रख लो बचपन में अगर नहीं पढ़े हो गए तो अब पढ़ लो क्योंकि अब इंस्पेक्टर बनना है इस बात को सोच लो और अगर अब इंस्पेक्टर बनना है तो कमी कहीं पर भी नहीं रहनी चाहिए स्पीड बराबर क्या हो गया डिस्टेंस बटे टाइम यानी चाल बराबर दूरी बटे समय इसी फॉर्मूले का अगर हम थोड़ा -फोरा हेर फेर कर दें टाइम को हम वहां पर भेज दें तो स्पीड हमारा क्या आ जाएगा नीचे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर किसी स्टूडेंट को याद करने में परेशानी होती है ठीक है अगर किसी स्टूडेंट को याद करने में परेशानी होती है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बचपन में अगर हमें बात करना होता था तो हम स्टीडी का इस्तेमाल करते थे हम किस इस्तेमाल करते थे स्टीडी का इस्तेमाल करते थे ठीक है तो हम लिख सकते स्पीड इन टाइम बराबर क्या हो जाएगा बराबर बराबर हो 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 जाएगा 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 हमारे हमारे के के क्या ठीक है बराबर क्या हो जाएगा के जो कि हम यहां पर तीसरा भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम और यही आपने देखा था कि अगर हम बात करें हमने दूरी कितनी तय की तो दूरी हमने जो तय की वो तय की दस मीटर कितने सेकंड में दो सेकंड में तो ये हमारा डिस्टेंस था ठीक है भाई क्लियर हुआ इन बातों को लेकर तो यहां पर चलते हैं हमने क्या सीखा हमने सीखा कि जो गति होती है वो बराबर होती है ठीक है दूरी बटे चाल दूरी बटे समय दूरी बटे क्या हो जाएगी दूरी बटे हमारी समय हो जाएगी अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ दूसरे पॉइंट्स की जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटा सा लेता हूं इस एग्जांपल को आप पढ़िए आपके सामने लिखा गया है। गया है है एग्जांपल में बोला कि दो फ्रेंड हैं जो दिल्ली से गोवा के लिए निकलते हैं पांच बजे एक फ्रेंड जो है वो गोवा ट्रेन से निकलता है और दूसरा जो है वो एरोप्लेन से निकलता है वन हु वेंट देयर बाई ट्रेन जो ट्रेन से पहुंचा वो चौबीस घंटे उसको लगे गोवा पहुंचने में कितने घंटे लगे चौबीस

घंटे में तो इसके ऊपर जो है हम एग्जांपल्स को देखते हैं छोटी-छोटी बातों को लेकर जैसे यहां पर मैं अगर पहली बात के एग्जांपल की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी के चाल से अधिक होती है इसलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज से अधिक समय लिया गया है अब यहां पर एग्जांपल की बात करो तो क्या-क्या हुआ एग्जांपल की बात करो तो जैसे मान यहां पर मोहित है ठीक है और मोहित के अलावा दूसरे पर्सन कौन है तो इनके फ्रेंड हो गए मान लो वो रोहित हो गए मोहित और रोहित हमारे दो जो है, ठीक है? सेम दूरी तय करनी थी मुंबई से निकला है ना दिल्ली और गोवा की वो कभी नहीं बदलेगी ना वो मोहित के लिए बदलेगी ना ही वो रोहित के लिए बदलेगी जो दूरी है वो फिक्स रहेगी तो इनको जो समय लगा वो कितना लगा मोहित को लगा समय तीन घंटे और रोहित को समय लगा है कितने घंटे चौबीस घंटे इस तरीके से इनका समय लगा है तो जो ये समय लगा है इस समय के अनुपात से हम किन किन बातों को बता सकते हैं किन बातों को बता सकते हैं किन बातों को हम बयान कर सकते हैं तो हम वो देखेंगे जैसे कि एग्जाम्पल देखो मानो आप टाइम एंड वर्क पढ़े टाइम एंड वर्क जब आपने पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि ए किसी काम को पांच दिनों में करता है बी किसी काम को दस दिनों में करता है तो इस हिसाब से टोटल वर्क जो हो जाता था वो हमारा कितना हो जाता था मान लो हमने माना टोटल वर्क हमारा मान लो पांच दस ना मान के हम ऐसा कह सकते हैं ये पांच दिन करता है सात दिन करता है तो टोटल वर्क हमारा हो जाता था पैंतीस टाइम एंड वर्क आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो 35 है ये क्या है टोटल वर्क है यहाँ पर ये 5 और 7 क्या हो जाते हैं डेज हो जाते हैं और 5 और 7 का उल्टा क्या हो जाता था 5 और 7 का उल्टा हमारी एफिशिएंसी हो जाती थी यानी 7 अनुपात 5 तो ये 7 और 5 क्या हो जाते थे ये हमारे एफिशियंसी हो जाते थे ठीक है ये हमारी क्या हो जाती थी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता तो यहां पर अगर हम एक बात को सीखें और यहां पर हम एक बात को समझें तो जब हमने ये बात देखा कि जब हमारा जो है काम बराबर है 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 वर्क वर्क कांस्टेंट कांस्टेंट जब हमारा है, तो डेज का उल्टा समय का उल्टा क्या हो जाता है समय का उल्टा हमारा एफिशिएंसी हो जाता है यानी समय का अनुपात अगर पांच अनुपात सात है तो एफिशिएंसी का अनुपात आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा सात अनुपात पांच हो जाएगा क्लियर है ये आपने टाइम एंड वर्क पे पढ़ा टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी सेम कहानी होती है बस थोड़ा सा डेटा को बदलते हैं वहां पर अगर मान लीजिए कि हम ये बोले कि मोहित की जो चाल है मान लो किसी व्यक्ति है जो पांच मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है दूसरा व्यक्ति सात मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है इस हिसाब से इस हिसाब से अगर मान लीजिए हम यहां पर कोई दूरी को तय कर लेते हैं मान लीजिए हम बोलते हैं पैंतीस किलोमीटर की यात्रा है तो भाई साहब से, से भागेंगे तो यहां पर यह हमारा क्या है यहां पर यह हमारा स्पीड है यहां पर यह क्या हो गया स्पीड हो गया ये जो रेशियो है ये किसका है ये हमारा टाइम का है और ये हमारा क्या हो गया तो आप बोलेंगे सर ये रेशियो जो है ये आपका डिस्टेंस हो गया तो अगर आप दोनों में रिलेशन देखें तो दोनों में आपको रिलेशन क्या मिलेगा दोनों में आपको ये रिलेशन मिलेगा कि यहां पर जब वर्क कांस्टेंट था जब हमारा वर्क जो था वो कांस्टेंट था जब हमारा वर्क क्या था कांस्टेंट था तो हमारा जो नंबर ऑफ टाइम है या डेज को आप कह लो कि जो डेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके एफिशिएंसी के मतलब उल्टा रेशियो हो गया अगर ये एक अनुपात दो में है तो ये दो अनुपात एक हो जाएगा उसी तरीके से जब हम यहाँ पर डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट मानेंगे कि जब हमारा डिस्टेंस को कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ठीक है थीके? जब हमारी दूरी स्थिर हो जाती है एकदम

टाइम हो जाएगा हाँ 45 किलोमीटर नहीं 45 मीटर आप लिख सकते हैं यहां पर कि ये 45 मीटर है ठीक है 45 मीटर है तो यहां पर हो गया अब टोटल टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको कितने केसेस पढ़ने हैं माइडियर ठीक है कितने केसेस केसेस पढ़ने पढ़ने हैं हैं तो तो टोटल टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर हमें तीन पढ़ने टोटल हमें तीन कितने केस पढ़ना है तो टोटल हमें तीन केस पढ़ना है और तीनों केस क्या है तीनों केस आए तो आए कहां से तो तीनों केस हमारे फार्मूला से ही आएंगे फार्मूला हमारा क्या है तो फार्मूला बराबर है हमारा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो इसी फॉर्मूले पर टिका हुआ है और इसी के तीन केस बनते हैं उसी तीन केसेस के ऊपर पूरी की पूरी जो सवाल आते हैं वो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं तीन केसेस हमारे कौन है है तो केस केस नंबर नंबर ये ये रहा केस ये है, और केस नंबर तीन ये है केस नंबर वन की बात करें तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है स्पीड बराबर क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया केस नंबर टू में हम क्या करते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं टाइम बराबर क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते हैं और केस नंबर तीन में हम बोलते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा इसी फॉर्मूले को तीन अलग अलग रूप में हमने लिख दिया है इसका रूप में लिखने का मतलब क्या होता है इसके रूप के लिखने का मतलब क्या होता है जैसे यहां पर जब आप देखेंगे जब हम आपके मान लीजिए डिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं जब हमारा d नाम का वर्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाए यानी जब दो दिशाओं के बीच की दूरी या दो सामान्य स्थान के बीच की दूरी जैसे दिल्ली हो गया मुंबई हो गया मुंबई हो गया रांची हो गया कहीं पर भी दो स्थान के बीच की दूरी बराबर हो जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होगा उस केस में हमारा जो स्पीड होगा जो हमारा स्पीड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के वो हमारा क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के यानी जो जितना ज्यादा गति होगी जिसकी गति जितनी ज्यादा होगी उसका समय उतना कम लगेगा अगर रोहित की स्पीड बहुत ज्यादा है तो रोहित का समय कम लगेगा या उल्टा भी बोलना चाहे तो कह सकते हैं कि रोहित का समय कम है तो रोहित की स्पीड क्या होगी बहुत ज्यादा होगी जैसे दो लोग थे अभी एग्जाम्पल में आपने देखा एक व्यक्ति तीन घंटे लेता है दूसरा व्यक्ति चौबीस घंटे लेता है तो जो तीन घंटे लेता है उसका समय कम है अगर उसका समय कम है तो उसकी गति सबसे

टाइम को हम बोलते हैं कि ये ये टी जो 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 है ये है है। है 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 पर टाइम टाइम कांस्टेंट कांस्टेंट तो अगर आपका जो है वो क्या है? है, समान है अब ये भी एग्जांपल हम आपको समाएंगे कि टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है तो डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस के आता है कहने का मतलब क्या है कि एक मान लो हमारा मुन्ना यहां से निकला ठीक है और मान लीजिए यहाँ पर मुन्नी हमारे यहाँ से निकली ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा मुंबई है मान लो हमारे जो है शाहरुख खान दिल्ली से निकले और उनका बेटा आर्यन खान मुंबई से निकला एकदम और दोनों रास्ते में मिले दो घंटे के बाद दोनों का मिलन हो जाता है ठीक है दो घंटे के बाद बीच रास्ते में कहीं पर दोनों मिल जाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जब आपका समय बराबर होगा तो जो दूरी शाहरुख खान ने तय की होगी और जो दूरी उनके बेटे ने तय की होगी तो ये जो दूरी का अनुपात होगा जैसे मानो अगर X y है, तो दूरी का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा इनके स्पीड के अनुपात के यानी जिस रेशियो में जिस रेशियो में अगर स्पीड का जैसे रेशियो है वन रेशियो टू मान लो यहां पर तो जो हम डिस्टेंस तय करेंगे वो अपने चाल के दूरी में ही चाल के अनुपात में ही तय करेंगे जिस रेशियो में हमारा जो है डिस्टेंस होगा उसी रेशियो में स्पीड होगा या जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस होगा ये वाला कंसेप्ट कहां पर हम पढ़ते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो ये वाला कंसेप्ट हम चोर पुलिस में पढ़ते हैं कि चोरी हुई चोर भी 12 बजे से भागना शुरू किया या मान लो कि बीच रास्ते में कहीं पर है और वहां से बारह बजे से भागता है पुलिस अपने थाने से बारह बजे भागती है और पांच बजे चोर को धप्पा कर देती है तो भैया बताओ दूरी किसने कितनी कितनी तय की तो जो दूरी वो तय करेंगे वो अपने अपने चाल के अनुपात में तय करेंगे वो दूरी एक दिशा में हो सकती है वो दूरी आमने-सामने की दिशा में हो सकती है हमें ये भी पढ़ना है ठीक है तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है हमारा जब हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जब हमारा s क्या हो कांस्टेंट हो अब खुद सोचो जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो तो क्या होगा स्पीड अगर आप यहां लेकर चले जाते हैं तो जिस रेशियो में आपका टाइम उसी रेशियो में डिस्टेंस क्या हम ऐसा कह सकते हैं सिंपल सी बात है अगर आपका स्पीड हम कांस्टेंट कर दे स्पीड को ना हम बढ़ाए ना हम घटाए तो आप बोलेंगे कि सर जैसे पांच मीटर प्रति सेकंड जो है कोई व्यक्ति भागता है तो एक सेकंड में पांच मीटर भागेगा तो दो सेकंड में कितना भागेगा दस मीटर भागेगा सेकंड में कितना भागेगा तो पंद्र, पंद्र मीटर भागेगा ये कहानी हमारी चलती रहेगी तो जब हमारा स्पीड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके डिस्टेंस के. जिस में उसी में डिस्टेंस हो अगर आप एक किलोमीटर एक सेकंड में भागते हैं आप दो किलोमीटर दो सेकंड में भागेंगे तीन किलोमीटर तीन सेकंड में भागेंगे अगर आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो आपका टाइम भी बढ़ेगा तो यही तीन केसेस है हर किसी के जब जब एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आप लोगों को सभी के थ्रू क्लियर करूंगा ठीक है कि यहां चोर पुलिस वाला कंसेप्ट कौन सा है बुलेट और गन वाला कंसेप्ट कहां पर है ठीक है हर प्यारे से कंसेप्ट को हम देखेंगे कि कभी कोई बस टर्मिनल से निकलती है एक्सीडेंट प्यारे प्यारे होता है समय, समय ज्यादा लगे तो ऐसे केसेस में हम सवालों को कैसे बनाएंगे हम हर कंसेप्ट को देखने वाले हैं प्यार से लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा जो होता है वो तीन ही केस बनते हैं पूरे के पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्लियर हुआ तो अपने थ्योरी में सबसे पहली वाली पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं ठीक है सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर वन क्या हुआ पॉइंट नंबर वन में अगर आप बात करेंगे तो पॉइंट नंबर वन में आप पढ़ेंगे कि हम जानते हैं कि हवाई जहाज की चाल रेलगाड़ी के चाल से अधिक होती है इसीलिए रेलगाड़ी द्वारा हवाई जहाज से अधिक समय लिया गया अब आप इस पॉइंट से क्या समझे आपने ये देखा कि दो स्थानों के बीच की दूरी समान थी ठीक है हमारा जो एरोप्लेन है हमारा जो एरोप्लेन है उसने समय लिया तीन घंटे और हमारा ट्रेन ने समय लिया चौबीस घंटे यही बात बोला गया है ऊपर कि एरोप्लेन लेता है तीन घंटे और जो है हवाई जहाज लेता है चौबीस घंटे ये इनके समय का अनुपात है अगर ये इनके समय का अनुपात है तो इनके चाल का अनुपात क्या होगा तो इनके चाल का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा अब बोलोगे सर ऐसा आपने उल्टा क्यों किया क्योंकि मेरे भाई यहां पर डी कॉन्स्टेंट है क्या है डी हमारा कॉन्स्टेंट है दो जगहों के बीच की दूरी समान है और जब हमारा डी कांस्टेंट होता है जब हमारा यहां पर देखेंगे जब हमारा यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया डी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड के रेशियो का उल्टा क्या हो गया टाइम हो गया स्पीड के रेशियो का उल्टा क्या हो गया टाइम हो गया या टाइम के रेशियो का उल्टा क्या हो गया स्पीड हो गया क्लियर है कोई दिक्कत की बात यहाँ पे तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर वन अब आ जाते हैं कंसेप्ट नंबर टू पे जो हमने आपको पढ़ाया यहां से ये यह जो हमने यहां पर देखा है वहां पर हमने क्या देखा कि टाइम का उल्टा क्या हो गया स्पीड हो गया यही बातें यहां पर लिखी गई हैं कि ऊपर दिए गए एग्जाम्पल को पढ़ के हमें ये समझ में आता है कि स्पीड का उल्टा क्या होता है स्पीड का उल्टा टाइम होता है कब जब आपका डिस्टेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा जो है हमने आपके शीट में एक एक बात ये लिखवा दी है जब आप

इनवर्सली प्रोपोर्शनल अब देखो बहुत बच्चों को यहां पर दिक्कत होगी कि सर तब से ये बात बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं तो इनका मतलब तो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे मानो ठीक है कि मैं आप पे एकदम पूर्ण तरीके से निर्धारित हूं जैसे आप लोग अपने पिताजी पे निर्धारित हैं मान लीजिए वो एक हजार रुपए देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं वो दो हजार रुपए देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं वो तीन हजार देते हैं तो आप उस अनुपात में खर्चा करते हैं मतलब आपका खर्चा ठीक है आपका खर्चा बढ़ता है कैसे अगर आपके पिता की इनकम को हम बढ़ा दें, तो आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है जैसे मानो यहाँ पर आप अपनी मैडम को जितना गिफ्ट देंगे वैलेंटाइन पे वो आपको उतना ही गिफ्ट देंगी आप कंजूसी करेंगे तो वो भी कंजूसी करेंगी ठीक है तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि एक के बढ़ने की वजह से दूसरा बढ़ेगा और एक के घटने की वजह से जो है हमारा दूसरा क्या होगा घटेगा ये रिलेशन आप हर जगह पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में ठीक है और ज्योग्राफी में हर जगह पर डायरेक्ट और इनवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है दूसरी बात हम बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या हुआ जैसे यहां पर देखो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आपके सेलेक्शन मिलने के चांसेस उतना ज्यादा होंगे आपके नंबर उतना ज्यादा आएगा तो ये क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मेहनत जितना ज्यादा नंबर उतने अच्छे तो सिलेक्शन उतने अच्छे पोस्ट पे अब आ जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप अपने जीवन के चलिए संबंधों से ट्राई कर लेते हैं ठीक है जीवन में हम अपने ट्राई कर लेते हैं चलिए हाल फिलहाल शाहरुख खान वाले केस पे ट्राई कर लेते हैं कि अगर आज के समय में आप अपने बच्चे पे जितना कम ध्यान देंगे आपका बच्चा उतना ज्यादा बिगड़ेगा मतलब अगर आप जितना कम टाइम देंगे जितना कम टाइम देंगे वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा उतना ज्यादा बदमाश होता चला जाएगा आप अगर उसको एक घंटे देंगे तो थोड़ा बदमाश रहेगा अगर आप उसको एक मिनट देंगे तो और ज्यादा बदमाश हो जाएगा इस तरीके से करके कि समय अगर आप कम दे रहे हैं अपने परिवार में तो आपको खुशियां क्या हो रही हैं?

चलिए तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली कहानी देखी अब हम आते हैं इसके दूसरे नंबर केस पे दूसरा नंबर केस क्या बोलता है बोलता है कि यदि दो एथलीट हैं दो धावक हैं रन करते हैं बराबर समय के लिए अब यहां पर कौन सा एग्जांपल हम देख रहे हैं देखो पहला वाला एग्जाम्पल हमने देखा वो कौन सा देखा डिस्टेंस कॉन्स्टेंट तीन एग्जाम्पल हमने आपके सामने माइडियर डिस्कस किया था और वो कौन कौन से तीन एग्जाम्पल हैं देखेंगे तो सबसे पहला हमने आपके सामने डिस्कस किया कि डिस्टेंस कांस्टेंट होगा डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो रट लीजिए कि स्पीड का उल्टा क्या होगा टाइम होगा अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं जब हमारा टाइम कांस्टेंट होगा टाइम कांस्टेंट होगा तो वो यहां पर लिखा गया है भाषा में लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा गया है कि यदि दो एथलीट हैं दो धावक हैं और बराबर समय के लिए दोनों के दोनों भागते हैं तो उस केस में ठीक है उसकी स्पीड ज्यादा होगी किसकी स्पीड ज्यादा होगी जिसने सबसे ज्यादा दूरी तय की होगी या यूं कह सकते हैं जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी उसकी स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी द डिस्टेंस कवर्ड बाई हुज स्पीड इज मोर वुड बी उस केस में क्या होगा इट कैन बी इन्फर फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल do. To...

की गति कम थी तो यह बात हमने सीखा कि जब हमारा समय जो होता है ठीक है ठीक है जब हमारा समय बराबर हो जाए मान लो कि एक ही समय पर दोनों के दोनों पहुंच गए या ऐसे कह लो कि दो लोगों को हमने यहां से दौड़ाया और दो लोगों को दौड़ाने के बाद एक मिनट के बाद हमने बोल दिया कि बेटा तुम दोनों के दोनों के रुक जाओ तो हो सकता है जैसे मानो रेस यहां से शुरू हुई थी रेस यहां पर शुरू हुई थी आज बज रहे थे बारह बजे मान लो और बारह बज के पांच मिनट पे हमने रेस को क्या कर दिया बंद कर दिया तो एक धावक जो है वो यहां पर है और दूसरा वाला यहां तक पहुंच चुका है यहां तक पहुंच चुका है यहां पर ए पहुंच है यहां पर बी पहुंचा है

रिलेशन क्या है तीनों के बीच में निकल जाएगा अब बताओ यहां तक जो थ्योरी पढ़ाई है आप लोगों को या नहीं है बता दीजिए मुझे जो एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए वो क्या क्लियर है कि नहीं है बताइए एक बार बता दीजिए जल्दी से बहुत अच्छे सर लव यू भाई लव यू ठीक है तो चलो अब हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट कि भाई अगर हम दूरी को मेजर कर रहे हैं अगर हम स्पीड को मेजर कर रहे हैं अगर हम डिस्टेंस जो है डिस्टेंस हो गया स्पीड हो गया टाइम हो गया हम सबको तो मेजर करेंगे कुछ ना कुछ से तो नापेंगे एग्जाम में हमारे सवाल आएंगे तो कुछ उनकी यूनिट दी गई होगी तो वो यूनिट होगी तो होगी किस में ठीक है वो यूनिट किस में हो सकती है हमें किस में बदलना पड़ सकता है हम हर बातों को देखेंगे तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो टाइम जो है वो यूजली किया जाता है किसमें मेजर सेकेंड में जनरली जो टाइम हो गया वो आपको सेकंड में मेजर किया जाएगा उसमें नहीं दिया गया होगा तो आपको मिनट में मेजर किया जाएगा या घंटे में यही तीन यूनिट हो सकते हैं समय को नापने के या तो सेकंड नहीं तो मिनट नहीं तो टाइम अब बोलोगे सर मिली सेकंड में तो मिली सेकंड में सवाल नहीं आते हैं मिली सेकंड में सवाल नहीं आते हैं इस बात का ध्यान रखें तो समय आपका सेकंड में हो सकता है मिनट में हो सकता है घंटा में दूरी की बात करें डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस किस में होता है या तो मीटर में होता है नहीं तो किलोमीटर में होता है इसके अलावा अगर मान लो कभी माइल पर क्वेश्चन दे दे यार्ड पर दे दे फीट पर दे दे तो वो भी हम इनका कन्वर्जन देख लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है तो समय दूरी की अगर बात करें तो दूरी हम किस में किस में नापते हैं दूरी या तो मीटर नहीं तो किलोमीटर नहीं तो माइल नहीं तो यार्ड और नहीं तो ट ठीक है आप इसमें कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड की कि भाई आप स्पीड को किस में जो है नापते हो तो पहला सबसे फेमस आता है किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा आता है कितना मील प्रति घंटा माइल पर आवर दे दे एक छोटा सा अगर स्पीड आपको माइल पर आवर दे देना मेरे भाई और आपको ये नहीं पता हो कि माइल को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं तो आप वहां गच्चा खा जाएंगे आपसे वहां पर गलती हो सकती है तो इस बात का ध्यान रखिए स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा या माइल प्रति घंटा या मीटर पर सेकेंड जो आपको जैसे फेमस पता है ठीक है क्लियर है स्पीड क्या हो सकता है माइल किलोमीटर इन सभी चीजों में हो सकता है उसके बाद कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपके सामने हमने दिया है एक बार कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देखिए आप हम साइड हो गए हैं एक बार कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को देखिए यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं आपके सामने लिखा गया है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है ठीक है देखिए, जैसे यूनिट की बात करेंगे तो हमारा एक घंटा में कितना मिनट होता है तो 60 मिनट होता है ठीक है और अगर इस एक घंटे में देखो यहां पर जैसे बात करते हैं ना बोलते हैं ना सर, एक घंटे में कितना तो एक घंटे में 60 मिनट ठीक है और एक मिनट में कितना सेकंड होता है तो एक मिनट में होता है साठ सेकंड होता है एक मिनट में कितना होता है साठ सेकंड होता है तो जब आप इस साठ मिनट को सेकंड में बदलोगे तो बोलोगे साठ और एक मिनट में साठ सेकंड यानी साठ इंटू साठ सेकेंड तो इस तरीके से कुल मिलाकर एक घंटे में कहना चाहो तो ये कह सकते हो साठ मिनट होता है और नहीं तो एक घंटे में कहना चाहो तो कह सकते हो कि छत्तीस सेकंड होता है ये दोनों में से हमारी जो है कोई भी यूनिट आप कह सकते हैं कि घंटे को आज के बाद कभी मिनट में बदलोगे तो 60 मिनट और सेकंड में 3600 सेकंड है ये आपने समय को बदला दूसरा आ जाइए आप अपने गति को अगर बदलते हैं तो सॉरी दूरी को बदलते हैं तो एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 ये पूरी दुनिया को पता है लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में आ सकता है 1 माइल में 1 माइल में एक कितना किलोमीटर होता है तो 1.606 इस बात को ध्यान रखिए 1.606 किलोमीटर होता है या आप ऐसा उल्टा लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं एक किलोमीटर में 0.6214 माइल होता है अगर किसी स्टूडेंट को उतना नहीं ध्यान है तो एक लगभग रेशियो हम आपको बता रहे हैं जो लगभग रेशियो होता है वो होता है ये अप्रोक्सीमेट है कि पांच माइल जो होता है वो आठ किलोमीटर के बराबर होता है चूंकि ये रेशियो अप्रोक्सीमेट है इस वजह से माइल को जो है जनरली क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है माइल के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं ठीक है मील के ऊपर सवाल नहीं बनते हैं कि भैया पांच मील किसके बराबर तो पांच मील जो है वो आठ किलोमीटर के बराबर पांच मील किसके बराबर आठ किलोमीटर के बराबर ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है आप ध्यान रख सकते हैं चलिए दूसरी बात जैसे मान लीजिए पाइप का पर्दा आप खरीदने जाते हैं सॉरी पर्दे के लिए पाइप खरीदने जाते हैं तो पर्दे के लिए अगर आप पाइप खरीदने जाते हैं तो दुकानदार आपसे बोलता कितना फीट पाइप चाहिए लंबा बता दो तो आप बोलते हो तीन फीट चार फीट तो भैया एक फीट जो होता है एक यार्ड में कितना फीट होता है एक यार्ड में तीन फीट होता है एक यार्ड में कितना फीट होता है तीन फीट होता है इस बात का आपको ध्यान रखना है ठीक है आई एम डीपली टच टू सी योर एक्ट्रा ऑर्डिनरी टीचिंग ऑफ मैथ्स एम योर स्टूडेंट ऑफ ए चैंपियंस बैच ये बहुत अच्छी बात है श्याम नारायण जी ठीक है अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपके परीक्षा के लिए वो आपका ये वाला रिलेशन है बहुत ही खतरनाक आप बोल लीजिए जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं और किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकेंड में कैसे बदल सकते हैं वो देखिए एक किलोमीटर प्रति घंटा अब आप देखो यहां किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में देखो ये किलोमीटर है किलोमीटर को पहले किस में बदला मीटर में तो किलोमीटर बराबर कितना होता है हजार मीटर तो देखो एक गुना किया हजार मीटर के साथ और बट्टे में क्या है घंटा है देखोगे अगर आप तो बोलोगे सर एक किलोमीटर और बच्चे में कितना है बच्चे में है सर एक आवर बटे में कितना है एक आवर तो आपने कहा ए को ए रहने दीजिए किलोमीटर को बदलेंगे हजार मीटर में तो हजार हो गया ठीक है और एक घंटा एक घंटा किसके बराबर छत्तीस सेकंड के बराबर तो नीचे आ जाएगा हमारा छत्तीस सेकंड ठीक है दो जीरो से दो जीरो खत्म पांच बटे आएगा कितना आएगा यानी ए को हमें गुना करना पड़ेगा कितना पांच बटे अट्ठारह तो आपने एक रिलेशन सीखा मेरे भाई आपने रिलेशन ये सीखा कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो पांच बटे के साथ गुना करेंगे और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो अठारह बटे पांच के साथ गुना करेंगे याद करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आप लोग मेरी बात को समझना आप मीटर पर सेकेंड जो है उसको बदल रहे हो किसमें बदलोगे किलोमीटर पर आवर में तो आप मुझे खुद बताओ कि आप छोटे से बड़े में जाओगे या बड़ा से छोटा मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है मीटर बड़ा होता है किलोमीटर बड़ा होता है तो आप बोलेंगे सर किलोमीटर बड़ा होता है तो किलोमीटर बड़ा होता है ना तो इसको आप गुना करोगे किसके साथ अट्ठारह बटे के साथ ठीक है क्यों अगर किलोमीटर बड़ा है तो 18 बड़ी संख्या होती है वो ऊपर रहेगी और पांच छोटी संख्या होती है वो नीचे रहेगी ठीक है और किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे जब किलोमीटर पर आवर को आप क्या बदलोगे मीटर पर सेकंड में तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या से छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अठारह और पांच में छोटा कौन है तो छोटा पांच है तो बोलोगे सर पांच ऊपर रहेगा और अठारह क्या रहेगा नीचे रहेगा ठीक है बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है किसको किस में बदले फिर से समझो तो मीटर से किलोमीटर में बढ़ रहे हो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो तो छोटी संख्या को बड़ा कब बनाओगे जब उसको बड़ी संख्या के साथ गुना करोगे यानी 18 बटे पांच के साथ गुना करोगे और बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना रहे हो बड़ी संख्या को छोटी संख्या कब बनाओगे जब आप उसको किसी छोटी संख्या के साथ गुना करोगे यानी आप उसको पांच बटे के साथ गुना करोगे ये बात क्लियर हुआ तो जैसे दो तीन कन्वर्जन अगर हम देखें मान लीजिए कि हमारे सामने बोला जाए और क्या बोला जाए हमारे सामने मान लीजिए बोला जाए मीटर पर सेकंड है मान लीजिए हमारे सामने बोला जाए पांच मीटर पर सेकंड है ये बताओ कितने किलोमीटर पर आवर होगा कितना किलोमीटर पर आवर होगा हमसे ये पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन तो हम कैसे ठीक है हम कैसे इसको बदलेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए बदलना बहुत आसान है पांच मीटर पर सेकंड है मीटर से किस में जाना है किलोमीटर में छोटी से बड़ी संख्या में जानी है तो इसको अठारह बटे के साथ गुना करिए पांच से पांच खत्म यानी ये बराबर होगा किसके ये बराबर होगा अठारह किलोमीटर प्रति घंटे के पांच मीटर पर सेकंड बराबर होगा किसके अठारह किलोमीटर प्रति घंटे के चलिए मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछा जाए दस मीटर पर सेकंड बराबर कितना होगा दस मीटर पर सेकंड बराबर कितना होगा तो बोलेंगे सर कितना किलोमीटर प्रति घंटा तो बोलेंगे सर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है मीटर से किलोमीटर में जाना है मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है तो छोटी संख्या को बड़ी बनानी है यानी इस दस वाले को किससे गुना करना पड़ेगा तो दस वाले को पांच बटे या अठारह बटे 5. तो छोटी से बड़ी बनानी है तो अठारह बटे के साथ गुना करेंगे दो बार में काटेगा तो कितना आ जाएगा छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर है कोई दिक्कत की बात 20 मीटर पर सेकंड है मान लीजिए तो 20 मीटर पर सेकंड को मुझे बदलना है कितना किलोमीटर प्रति घंटा तो बोलेंगे सर मीटर से किलोमीटर में जाना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जानी है ठीक है तो हम जो है 20 को गुना करेंगे किसके साथ 20 को गुना करेंगे 18 बटे पांच के साथ पांच से काटेंगे चार बार में तो अठारह चौके कितना आ जाएगा बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी हो जाएगी रफ्तार बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी क्या हो जाएगी रफ्तार हो जाएगी अब हम अगर बात करें उल्टा अब हम बात करते हैं उल्टा कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम बदलना चाहे मीटर पर सेकंड में तो कैसे होगा तो जैसे मान लीजिए हमने कहा 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है 18 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है ये कितना मीटर पर सेकंड में होगा बता दीजिए तो आप आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर देखिए किलोमीटर से आप मीटर में जाने की बात कर रहे हैं आप बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू में जाने की बात कर रहे हैं बड़े से छोटे में जाने की बात कर रहे हैं तो आप अट्ठारह को छोटा कब बनाएंगे जब आप उसको छोटे संख्या के साथ गुना करेंगे यानी पांच ऊपर रहेगा अट्ठारह नीचे रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा किसके पांच मीटर पर सेकेंड के ये बराबर हो जाएगा किसके पांच मीटर पर सेकंड के अगर मान लीजिए कल के दिन सवाल आपका आए जैसे मानो चौवन किलोमीटर प्रति घंटा चौवन किलोमीटर प्रति घंटा को बदलिए किस में बदलिए कितना मीटर पर सेकंड में तो आप क्या बोलेंगे बोलेंगे देखो किलोमीटर से मीटर में जाना है बड़े से छोटे में जाना है और बड़े से छोटे में जाना है तो छोटी संख्या ऊपर होगी बड़ी संख्या नीचे होगी यानी पांच को ऊपर गुना करो और अट्ठारह को नीचे तो चौवन को किससे गुना करोगे चौवन को पांच बटे के साथ अट्ठारह से काटोगे तो तीन बार में पांच तीन कितना आ जाएगा? पंद्रह मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यही सीरीज़ आप आप फॉलो करेंगे। इसी तरीके से आप मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं क्लियर हो रहा है बहुत अच्छी बात है सभी के उत्तर भी आ रहे हैं तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं आपके सामने पहला एग्जाम्पल हमने रखा है देखिए सवाल में क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में आपको बोला है एक कार जो है वो 18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है ठीक है वो कितना समय लेगी अगर उसको 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी है मतलब हमारा स्पीड दे दिया गया है हमारा डिस्टेंस दे दिया गया है हमसे टाइम पूछा है लेकिन मेरे भाई जो स्पीड दिया है वो मीटर पर सेकेंड में दिया है जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और हमारे ऑप्शन घंटे में है तो ये किलोमीटर में है ये आवर है, तो स्पीड को मीटर पर सेकंड से किस में बदलेंगे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे समझ रहे हो मेरी बात को को क्योंकि अगर स्पीड को नहीं बदला किलोमीटर पर आवर में तो हमारे लिए काफी मुश्किलें साबित हो सकती हैं ठीक है क्लियर है बताइए देखिए सवाल को स्पीड हमारा कितना दिया है तो स्पीड हमारा अठारह मीटर पर सेकेंड दिया गया है 18 मीटर पर सेकंड दिया गया है और सवाल में हमें डिस्टेंस कितना बोला गया है तो सवाल में हमें जो डिस्टेंस है वो बोला गया है 300 किलोमीटर ठीक है है और हमसे समय समय बोला गया है, समय कितना घंटा लेगा समय हमसे कितना लेगा तो टाइम बराबर क्या होता है हमेशा रखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस हमारा कितना है तो बोलेंगे सर 300 किलोमीटर ठीक है और स्पीड आपका कितना है तो बोलेंगे सर 18 मीटर पर सेकंड अब 18 मीटर और पर सेकंड अब क्या आप मीटर से किलोमीटर को काट पाएंगे नहीं काट पाएंगे ना तो जब नहीं काट पाएंगे इसीलिए इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे समझ रहे हैं मेरी बात को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं बदला तो हम इसकी कटम कुटाई कर ही नहीं सकते हैं ठीक तो अगर हम आ जाते हैं यहां पर अपने स्पीड वाले में तो हमारा स्पीड कितना है अठारह मीटर पर सेकंड है और इसको हमें किस में बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो इसको कितने से गुना करेंगे तो अठारह बटे पांच के साथ गुना करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अठारह मीटर पर सेकंड है ठीक है इसको अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में लिखना है तो अठारह को अट्ठारह बटे के साथ गुना करना पड़ेगा ये हमारी क्या आ जाएगी किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये हमारा स्पीड आ गया तो जो हमें टाइम लगेगा वो बराबर क्या होगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है डिस्टेंस Dist कितना है तो 300 किलोमीटर है ठीक है और यहां पर हमें जो समय लगेगा स्पीड है वो कितनी है 18 18 18 18 और बट्टे में है 5 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा छोटी छोटी बातों को समझिए यहाँ पर पहली बात किलोमीटर प्रति घंटे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर अब यहाँ पर बट्टा है ये भी बट्टा है और ये नीचे है तो जब ऐसा आ जाए कंडीशन कि ए और बट्टे में आ जाएगा बी बटे सी तो ये सी ऊपर चला जाता है और जाकर क्या करता है गुना करता है यानी ये पांच और ये घंटा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो इसको यहाँ से मिटा के अगर आप ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है ये ऊपर चले जाते हैं पांच भी चला जाता है ऊपर घंटा भी चला जाता है ऊपर आपका यहाँ पर अब कट्टम कुटाई कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा ठीक है आप काटेंगे छ से तो छ से पचास बार में कटेगा और छ से ये तीन बार में कट जाएगा ठीक फर्दर आप काटेंगे दो से कितनी बार में पच्चीस बार में तो दो से ये कितनी बार में कट जाएगा नौ बार में पच्चीस का पांच गुना कितना होता है एक सौ पच्चीस और नौ का तीन गुना कितना होता है सत्ताईस होता है तो सत्ताईस जो आप गुना करिए यहां पर देखिए सत्ताईस का चार गुना सत्ताईस चौवन चौवन दूनी ठीक है तो 27 का चार गुना एक आ जाएगा और 108 में कितना जोड़ेंगे आप 108 में 17 जोड़ेंगे तो 108 सही 17 बटे सत्ताईस घंटे ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सी फॉर कहोना प्यार है बहुत अच्छी बात है ठीक है छोटा सा सवाल था समझाया हमने आपको हर पूर्ण तरीके से ताकि कोई स्टूडेंट को अगर कुछ भी नहीं आता तो उसको वहां से भी समझ में आए हर बात समझ में आए हर बातों को वो अच्छे तरीके से समझे यहां पर कैचअप करे क्योंकि बेसिक अगर कमजोर हुआ तो आगे क्लासेस में उड़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को ठीक है तो जीरो से शुरू करना है बिल्कुल और हीरो तक आपको लेकर चलना है हीरो बनाना है ठीक है चलिए एग्जाम्पल नंबर टू देखिए एग्जाम्पल नंबर टू में क्या बोला है एक कार बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है 300 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा आपको कैसे पता चलेगा कि यार, स्पीड को मुझे मीटर पर बताएगा आप अपने गति को देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो आप बोलोगे ससुरा सेकेंड में आंसर मांगा है ना तो अब ये क्या करो मीटर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदल दो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दो तो आप बोलोगे स्पीड जो है वो मेरी क्या है बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है और बड़े से छोटे संख्या में जानी है यानी इस बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलना है पांच बटे अठारह में गुना करेंगे तो अठारह से कटेगा ये चार बार में तो पांच इंटू चार यानी बीस मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बीस मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई बीस मीटर पर सेकंड डिस्टेंस दिया गया है तो टाइम बराबर क्या होता है टाइम बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस कितना है टाइम बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं हमेशा लिखेंगे टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस है हमारा तीन स्पीड है हमारा बीस का काटेंगे यहाँ से दो से कटेगा पंद्रह बार में तो पंद्रह क्या आ जाएगा पंद्रह सेकेंड जो होगा वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बहुत बहुत अच्छे राज, बहुत अच्छे अंजलि दुबे भाई चलिए अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है बी फॉर भारत माता की जय क्या बात है क्वेश्चन नंबर तीन देखिए बोला गया है कितनी दूरी आप तय करेंगे ठीक है चौसठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी 80 मिनट में कितनी दूरी तय कर सकती है फिर से आप मुझे देखें यहाँ पे सवाल में क्या बोला है तो सवाल में किलोमीटर में ही ऑप्शन 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 जो है वो किलोमीटर में ही दिए गए हैं मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको ऑप्शन किलोमीटर में दिया गया है तो आपको अपना स्पीड देखना पड़ेगा स्पीड आपने देखा किलोमीटर ऑप्शन भी देखा किलोमीटर तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको उसको मीटर पर सेकेंड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं समझ रहे हैं ठीक है अब यहां पर बोला गया है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम होता है क्या होता है स्पीड इनटू टाइम होता है स्पीड हमारा कितना है जनाब तो बोलेंगे सर चौसठ किलोमीटर प्रति घंटा है चौसठ किलोमीटर और यहां नीचे क्या है प्रति घंटा है हमें कितने घंटे के बारे में बताना है अस्सी मिनट के बाद बताना है अस्सी मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी तो स्पीड हमने लिख दिया और टाइम हमारा दिया गया है किसमें अस्सी मिनट में अब एक बात बताओ नीचे घंटा है ऊपर मिनट है तो ये घंटा ही मिनट को कैसे काटेगा काट पाएगा कभी नहीं काट पाएगा नहीं काट पाएगा तो क्या करोगे नहीं काट पाएगा तो मिनट जो दिया गया है ना ये मिनट को किस में बदलो घंटे में मिनट को किस में बदलो घंटे में और जब मिनट को घंटे से बदलोगे जब मिनट को घंटे से बदलोगे तो देखो यहाँ पर जैसे वन मिनट बराबर कितना देखो आप ऐसे बोलते हो ना बचपन में बोलते थे कि सर साठ मिनट बराबर क्या होता है साठ मिनट बराबर एक घंटा होता है तो एक मिनट बराबर कितना हो जाएगा एक बटे साठ तो इसीलिए से कि आप मिनट को घंटे में बदल रहे हैं छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा साठ से भाग करना पड़ेगा जैसे आपने साठ से भाग किया ये भी घंटा में बदल गया घंटा घंटा को काटेगा जीरो जीरो को काटेगा ठीक है छ की कटाई कैसे की जाएगी तो पहले दो से चार बार में और फिर दो से आपका तीन बार में दो से चार बार में तीन बार में चार चौके सोलह छ के चौक पच्चीस हो गया दो से तिरपन बटे और ये क्या है किलोमीटर में है फर्दर आप देख लो तीन अठे चौबीस तीन पचे पंद्रह पचासी सही एक बटे तीन किलोमीटर जो होगा वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली ठीक है दिल फॉर दिल जॉब ले जाएंगे क्या बात है डी फॉर दिल जॉब ले जाएंगे जॉब नहीं दिल वाले नौकरी ले जाएंगे चलो बहुत अच्छी बात है दुल्हनिया हम ले जाएंगे नहीं भैया नौकरी हम ले जाएंगे ही बोलो समझे प्राइवेट बाबू का गुनगान ना करे सरकारी बाबू का गुणगान करे बहुत फायदे में रहेंगे आप सरकारी बाबू बन जाइए फिर प्राइवेट बाबू बनते रहिएगा बहुत वक्त है ठीक है बहुत वक्त है बहुत वक्त है सवाल में समझ में आया छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं डी हाँ, फॉर दिल मांगे मोर बहुत अच्छी बात है सवाल नंबर को देखो एक व्यक्ति 80 मीटर की दूरी 12 सेकंड में कवर करता है उसकी स्पीड कितनी होगी स्पीड किस में पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में तो सबसे पहले हम स्पीड को देखते हैं कपिल सिंह बड़ा तबाह की हो यार सर शीट कब अपलोड करोगे इसीलिए कहते हैं ना टाइम पे आया करो ठीक है शुरू में ही बता दिए थे शीट कल अपलोड होगी तब से मैसेज किए जा रहे हो अपनी उंगलियों को परेशान कर रहे हो बताओ है? एक ही मैसेज को पचास बार पेस्ट करके बोला गया है एक व्यक्ति 80 मीटर की दूरी 12 सेकंड में कवर करता है तो स्पीड कैसे निकालते हैं स्पीड निकालते हैं डिस्टेंस भरे टाइम में डिस्टेंस कितना तय किया आपने तो 80 मीटर का और समय कितना लिया आपने तो 12 सेकंड का समय लिया है ठीक है अब आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया भैया स्पीड हो गया किसमें मीटर पर सेकंड में और एग्जामिनर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में तो एक स्टूडेंट को हमारी अच्छे से पता है कि मीटर से किलोमीटर जाना है छोटे से बड़े में जाना है तो छोटे से बड़े में जाना है तो किससे गुना करोगे तो इसको गुना करोगे अट्ठारह बटे पांच के साथ इसको गुना करोगे किससे अठारह बटे पांच के साथ कट्टम कुटाई खेल लो भाई पांच से काटोगे तो कितनी बार में होगा सोलह बार में कटेगा। छः से काटोगे दो बार में छ से काटोगे तीन बार में दो से काटोगे आठ बार में आठ इंटू तीन कितना आ जाएगा चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा चौबीस किलोमीटर प्रति घंटा क्लियर है चलो अब आ जाते हैं टाइप नंबर वन पे जो अभी इसके पहले हम चार सवाल किए वो किसके ऊपर था वो कन्वर्जन के ऊपर था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना है किलोमीटर को मीटर में बदलना है अब हम चलेंगे कन्वर्जन के कुछ उसके ऊपर सवाल में जैसे टाइप नंबर वन अब ये टाइप नंबर वन क्या है किस कंसेप्ट पर आधारित है आप क्वेश्चन को, को पढ़िए फिर आपको कंसेप्ट का पता चलेगा आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है देखिए कि एक कार की चाल में यदि 30 परसेंट की वृद्धि की जाती है यदि उसके चाल को हम 30 परसेंट बढ़ा देते हैं तो यह किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर दो घंटे पहले पहुंच जाती है तो उस दूरी को तय करने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा तो अभी जो आप टाइप पढ़, पढ़ रहे हैं माइडियर ये टाइप का नाम है ये टाइप का नाम है जब आपका डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी भाषा इंग्लिश भाषा जिसमें कहें कि जब आपकी डिस्टेंस जो हो वो क्या हो कांस्टेंट हो दो स्थानों के बीच की दूरी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है आपको अच्छे से बताया है एक बात कि व्हेन आपका डिस्टेंस जब कांस्टेंट होगा तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा

काफी डिफरेंट है काफी डिफरेंट है किताबों से काफी डिफरेंट है यूट्यूब से मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत अच्छा है या बहुत खराब है मैं बस ये कह रहा हूं कि वो काफी डिफरेंट है ठीक है ऐसे तरीके आपने देखे नहीं होंगे ये मेरा अपना पढ़ाने का तरीका है मेरा अपना टीचिंग स्टाइल है ठीक है कि मेरे कंटेंट भी उसी हिसाब से होते हैं जिस तरीके से मैं सोचता हूं और उसी तरीके से मैं सोचता हूं कि आपके अंदर मैं उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग को लेकर आ सकूं ताकि आप हर सवाल को हर टॉपिक को बड़े आसानी से समझो ठीक है सवाल को देखो क्या बोला गया है बोला गया है कि एक कार के गति को 30 परसेंट बढ़ा दिया गया तो वह किसी पर्टिकुलर स्थान पर दो घंटे पहले पहुंच जाती है तो बताओ अगर हम उसके गति को नहीं बढ़ाते तो यूजुअल टाइम कितना लगता कार को उस स्थान पर पहुंचने में ठीक है यूजुअल टाइम कितना लगता है उस स्थान को पहुंचने में समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पे तो दो तरीके से सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं एक तो ये पूछा जा सकता है कि जो यूजुअल टाइम है वो कितना होगा मतलब अगर गति को ना बढ़ाए तो कितना समय लगेगा और अगर गति को बढ़ा दिए तो कितना समय लगेगा क्लियर है भैया तुम गति को बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे मानो यहाँ पर ये यह है ठीक है आपकी दिल्ली ठीक है और ये हो गया आपका कहां पर गोवा नौकरी लगने के बाद जहां पर हर विद्यार्थी ठीक है जितने भी अभी बालकन देख रहे हैं ना सबकी इच्छा है कि गोवा का तो ट्रिप मार के ही आएंगे तो भाई देखो दिल्ली और गोवा के बीच अगर हजार किलोमीटर की दूरी है ना तो ये हजार किलोमीटर की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी ये नहीं बदलेगी ये हो सकता है कि अगर एरोप्लेन लिए तो तुम्हारा समय तीन घंटा लगेगा अगर ट्रेन लिए तो समय चौबीस घंटा लगेगा अगर पैदल ही निकल गए तो पता चला कि तुम्हें कितने घंटे लग गए मान लो अस्सी घंटे लग गए समझ रहे हो या मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो अस्सी घंटे लग गए कितने घंटे 80 घंटे तो दूरी कभी बदलती है दूरी नहीं बदलती आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो आपका समय कम होता चला जाएगा या आपका स्पीड घटता चला जाएगा तो आपका समय बढ़ता चला जाएगा यही कहानी आप लोगों के तैयारी में भी होती है और ये एग्जाम्पल हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि आपका जो लाइफ है ना वो यही एग्जाम्पल के आसपास घूमता है आपको पता है कि यहां पर आज आप बैठे हैं और ये आपका सिलेक्शन है मेरी बात को बड़े ध्यान से देखिएगा आप यहां पर हैं आज जहां पर आप कुछ भी नहीं नहीं और बस एक एस्पिरेंट है और यहां जो है आप एक ऑफिसर हैं ठीक है आपको पता है कि यहां से यहां की दूरी जो है ना वो वही दूरी हजार किलोमीटर ना होकर ये यही दूरी बराबर है किरण को रटना बराबर है लूसेंट को रटना बराबर है जितना हमने पढ़ाया उन सभी शीटों को करना बराबर है वो तीन चार हजार वो कैबलरी ये फिक्स है ये दूरी आपसे क्या मांगता है तो ये दूरी आपसे वही पांच हजार वो कैबलरी मांग रहा है ये दूरी आपसे क्या मांग रहा है तो बस एक लूसेंट की पतली सी किताब मांग रहा है ये दूरी आपसे क्या मांग रहा है तो मैथ की सारी की सारी सीटों को तीन बार सोल्व करना मांग रहा है और कुछ नहीं जो स्टूडेंट जितना कम पढ़ेगा अगर मान लो कोई तीन घंटा पढ़ेगा तो सोचो अगर मानो उसकी तीन घंटा प्रति डेली वो तीन घंटा पढ़ रहा है तो वो कितने दिनों में पहुंचेगा कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डेली आठ घंटा पढ़ रहा है तो वो कितने देर में सिलेक्शन लेगा और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बिना खाए पिए एकदम पंद्रह घंटा पढ़ रहा है तो सोचो वो सिलेक्शन में कितना पहुंचेगा जो जितना कम समय देगा उसके तैयारी का समय उतना लंबा होगा और उसको सक्सेस उतना ही लंबा मिलेगा ये आपके पर्सनल लाइफ में भी आपके जो है ये लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें पता है कि चीजें फिक्स हैं ऐसा नहीं है कि एक टॉपर बहुत अलग पढ़ता है आप अलग पढ़ाई कर रहे हैं सबको सेम पढ़ाई करनी है तो अगर सेम पढ़ाई करनी है और सबको सिलेक्शन चाहिए तो आप खुद सोचो कि आपका ही सिलेक्शन क्यों हो आपके पड़ोसी का सिलेक्शन क्यों ना हो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो फिर आप मेहनत ज्यादा करिए आप घंटे ज्यादा दीजिए दिन में ठीक है चलिए तो सवाल में हम आ जाते हैं थोड़ा सा सवाल में हमसे बोला है कि यदि वो अपने स्पीड को 30 परसेंट बढ़ा दे तो सबसे पहले हम स्पीड का अनुपात लिखेंगे स्पीड 30 30 बढ़ाने का का मतलब क्या होता है? 30 का बट्टा कितना होता है है कितना तो होता है तीन बटे दस यानी दस के गति में तीन की बढ़त हो गई तो स्पीड को हमने दस से कितना कर दिया तेरह कर दिया दो स्थानों के बीच की दूरी समान है अगर दूरी समान है तो स्पीड का अनुपात दस अनुपात तेरह तो समय क्या हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा तेरह अनुपात दस हो जाएगा यानी हम यूं कह सकते हैं कि पहले उसको तेरह यूनिट समय लगता था अब उसको दस यूनिट समय लगता है अब उसको कितना यूनिट समय लगता है दस पर कितने यूनिट की कमी है तो यहां पर तीन यूनिट की कमी है और ये तीन यूनिट किसके बराबर है माइडियर तो ये तीन यूनिट जो है वो दो घंटे के बराबर है इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि पहले वह तेरह यूनिट में पहुंचता था अब दस यूनिट में पहुंचता है तीन यूनिट की कमी है यही तीन यूनिट का मान सवाल में दो घंटा दे रखा है हमसे क्या पूछा है हमसे क्या पूछा है तो हमसे ये पूछा है कि यूजुअल टाइम कितना लगता है तो आप लोग एक एक बात को नोट करिए ठीक है आपको एक एक बात नोट करिए ये हमारा हो जाता है नॉर्मल ठीक है ये हमारा हो जाता है क्या नॉर्मल हो जाता है चाहे वो नॉर्मल स्पीड हो चाहे वो नॉर्मल टाइम हो या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये यूजुअल भी आप कह सकते हो कि यूजुअल ठीक है यूजुअल स्पीड बोलेगा तो 10 है यूजुअल टाइम बोलेगा तो 13 है और ये हो जाता है फाइनल आप ऐसे भी कह सकते हो यूजुअल ना कह के आप इनिशियल और फाइनल का भी नाम दे सकते हो कि ये आपका शुरुआती गति और शुरुआती समय था और ये आपका फाइनल गति फाइनल समय था पहले स्पीड दस थी बाद में तेरह हो गई पहले समय तेरह था अब स्पीड आ, समय दस हो गया कितने की कमी तीन तीन की बराबर कितना दो घंटा यहां से हमें क्या पूछ सकता है ये यूनिट का घंटे में दिया गया है तो हमसे कभी स्पीड तो पूछेगा ही नहीं अगर हमें यूनिट का मान स्पीड में दिया होता तो स्पीड का मान पूछता टाइम नहीं पूछता अगर हमें यूनिट का मान घंटे में दिया है मतलब हमसे टाइम पूछेगा स्पीड नहीं पूछेगा टाइम में क्या-क्या पूछ सकता है तो टाइम में एक इनिशियल टाइम पूछ सकता है 13 यूनिट का मान या फाइनल टाइम पूछ सकता है 10 यूनिट का मान ये दो में से कोई भी सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं ठीक है अब देखिए मेरी बात को समझिएगा आपको क्या दिया गया है दो घंटा तो ये दो घंटा कितने का मान है तो दो घंटा कितने यूनिट का मान है तीन यूनिट का मान है हमसे कितना यूनिट का मान पूछा गया अगर हमसे बोला जाए पहले कितना समय लेता था तो हम तेरह यूनिट का मान बताएंगे तो इसको तेरह से गुना करेंगे ठीक है यूनिट से हमारा यूनिट कट जाएगा दो बटे तीन छब्बीस छब्बीस बटे तीन कितना होता है तो छब्बीस बटे तीन को अगर आप मान लो यहाँ पर कुछ पल के लिए मैं मान लो अभी लिख रहा हूँ ठीक है अगर मान लो छब्बीस बटे तीन घंटे बाद में बता देंगे कौन सा ऑप्शन सही है अगर मानो हमसे बोला जाता फाइनल टाइम कितना लग रहा है तो आप बोलोगे सर ये दो घंटे जो है वो तीन यूनिट के मान है हमें कितने का बताना है हमें 10 का बताना है तो हम बोलेंगे सर 20 बटे तीन घंटे ये हमारा क्या हो गया फाइनल टाइम अब बहुत बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होगी बदलने में कि इसको बदले तो बदले कैसे 26 बटे तीन को कैसे बदले 20 बटे तीन को कैसे बदले घंटे को मिनट में तो सबसे पहले बात करते हैं छब्बीस बटे घंटे की अब छब्बीस बटे को आप पहले तीन से भाग करो तो तीन से कितनी बार में कटेगा आठ बार में तीन अठे चौबीस हो गया आठ सही दो बटे तीन आवर आठ सही दो बटे तीन क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा यानी इसके मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये आठ आवर है ठीक है और प्लस कितना हो गया दो बाई तीन आवर है ये आप लोगों को हमने परसेंटेज में पढ़ाया था परसेंटेज में पढ़ाया था कि अगर आठ सही एक बटे तीन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आठ जमा एक बटे तीन इसका मतलब होता है आठ जमा एक वटे तीन अब यहां पर देखो ये तो घंटे में है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है जो दूसरा फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको छेड़छाड़ करना है और इस आवर को किस में बदलना है तो आवर को मिनट में बदलना है आवर को किस में बदलना है मिनट में तो आवर को मिनट में बदलोगे घंटे को मिनट में बदलोगे तो कितने से गुना करोगे साठ से गुना करोगे तो तीन से काटो बीस बार में तो क्या हो गया आठ घंटा और दो इंटू चार चालीस मिनट आठ घंटा कितना आठ घंटा मिनट मिनट घंटा 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 कितना 8 40 फिर से समझ लो तीन का मतलब 8 सही तीन, ये 8 तो रहेगा ही रहेगा और दो बटे तीन को साठ के साथ गुना करोगे एक सौ बीस बटे तीन यानी चालीस मिनट आ जाएगा उसी तरीके से दूसरा हमारा था बीस बटे तीन तो बीस बटे तीन क्या था आवर था इसको हमें पूर्ण तरीके से लिखना है तो बीस बटे तीन को क्या बोलोगे छह सही दो बटे तीन छह सही दो बटे तीन आवर सही, दो बटे तीन आवर ये छ क्या हो गया छ हमारा घंटा हो गया ठीक है छ क्या हो गया घंटा हो गया और दो बटे तीन को किसके साथ गुना करेंगे साठ के साथ गुना करेंगे? करेंगे तीन से हमारा बीस बार में जाएगा तो बीस इंटू दो कितना हो जाएगा चालीस मिनट हो जाएगा ठीक है क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से तो हमसे अगर मानो यहां पर पूछा गया यूजुअल टाइम तो यूजुअल टाइम 26 बटे तीन यानी आठ घंटे 40 मिनट और अगर हमसे पूछा जाता कि नहीं फाइनल टाइम कितना होगा तो 6 घंटे 40 मिनट दोनों चीजें समझनी है सवाल में क्योंकि हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है क्लियर है कि नहीं है बताओ जल्दी से क्लियर है हुँ? ये हमारा हो गया इनिशियल और ये हमारा हो गया फाइनल चलो आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ नेक्स्ट सवाल देखो अगला सवाल देखो एग्जाम्पल नंबर छह राजधानी जो है वो राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए एक घंटा तीस मिनट देरी से निकलती है आज भैया राजधानी निकली कहां से दिल्ली से निकली कहां के लिए पटना के लिए एकदम निकल चुकी है अपने रफ्तार में और डेढ़ घंटा देरी से निकलती है और अपनी चाल में दस परसेंट की वृद्धि करके पटना के निर्धारित समय पर पहुंच जाती है उसको पता है कि भैया ये पटना है अगर समय पर लोगों को नहीं पहुंचाया ना तो ड्राइवर को कुछ ना शुरू कर देगा सब समझ रहे हो जाके जितने जो यात्री हैं बैठे हुए हैं ड्राइवर को धोना शुरू कर देगा ले हमको जल्दी पहुंचाओ छठ पूजा का समय पर तो तो वैसे तो तो चलाएंगे तो पहुंच नहीं पाएंगे ना तो क्या करना पड़ेगा तो अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा तो ड्राइवर क्या बोला बोला चलो बढ़ा देते हैं दस परसेंट की स्पीड को दस परसेंट स्पीड बढ़ा दिया तो एकदम उसी समय पर अपने स्थान पर वो पहुंच पहुंचा देता है पटना को उसी समय पहुंचा देता है जितने बजे ट्रेन को पहुंचना था तो बोला गया था कि अगर ड्राइवर स्पीड नहीं बढ़ाता तो कितने देर में पहुंचाता और अगर ड्राइवर स्पीड बढ़ा दिया तो कितने देर में पहुंचाएगा ये दोनों बातें हमसे पूछी गई है तो सेम देखिए चाहे दिल्ली हो पटना हो कुछ भी हो दोनों के स्थानों के बीच में क्या है दूरी समान है दूरी समान है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया समान हो गया और जब भैया हमारा डिस्टेंस समान हो गया तो वेन डी इज कॉन्स्टेंट जब हमारा डिस्टेंस समान हो तो हमारा स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा स्पीड का उल्टा हमारा टाइम हो जाएगा समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो तो आप बोलोगे जी सर ग्यारह तो से दस तो आपने समय को कितना बचा लिया है तो आपने जो डेढ़ घंटे विलंब करने वाले थे वो आप डेढ़ घंटा विलंब नहीं करेंगे वो आपने बचा लिया ठीक है यानी यहां पर एक यूनिट यूनिट का का मान मान कितना है? तो एक का मान आप बोल लीजिए डेढ़ घंटे को 1.5 पॉइंट आवर कहते हैं या 90 मिनट भी लिख सकते हो या 90 मिनट ना लिख के आप 3 बाई टू आवर भी लिख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है एक यूनिट बराबर कितना है बटे दो घंटे के हमसे तो ग्यारह यूनिट का मान पूछा है कि ग्यारह का मान कितना होगा पहले समय कितना लेगा यानी यूनिट तो इसको भी 11 के साथ गुना करो अगर एक का मान दो तैतीस तो बटे दो तैतीस बटे दो क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा तैतीस बटे दो घंटे को देखो तो दो से सोलह दो बत्तीस ठीक है इतना घंटा हमारा जो है वो क्या आएगा समय आएगा सोलह सही एक बटे दो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है स्पीड को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा ठीक चलिए अगले सवाल पे आते हैं प्रश्न संख्या सात देखिए चलिए बहुत अच्छी बात है सवाल देखिए एक ट्रेन जो है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में दो बटे पांच की कमी करने से एक निश्चित गंतव्य स्थान पर तीन घंटे की देरी से पहुंचती है रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए ठीक है लिया गया वर्तमान समय कीजिए कि वर्तमान समय कितना होगा आप एक बात को बताओ मुझे रेलगाड़ी अपने चाल में कितने की कमी कर देती है दो बटे पांच की कमी कर देती है ये फ्रैक्शन को समझना बड़ा जरूरी है कि ये दो बटे पांच बोला है तो ये दो बटे पांच है तो है क्या ठीक है जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड की ठीक है और बोला गया है दो बटे पांच की कमी कर देती है दो बटे पांच क्या कर देती है कमी कर देती है तो आप ऐसे कह लो कि सर पांच किलोमीटर पहले वो मान लो पांच यूनिट तय करता था तो अब दो का वो क्या कर देगा कमी कर देगा यानी मान लो कि पहले उसकी रफ्तार पांच की थी तो अब उसमें दो की कमी आ जाएगी तो बोलेंगे सर पहले उसकी स्पीड अगर पांच की थी तो पांच में दो की कमी यानी स्पीड कितनी हो जाएगी तीन की अगर मैं बोलूं कि किसी ने अपने रफ्तार में तीन बटे सात की कमी कर दी तो आप बोलेंगे सर पहले गति सात की थी सात में तीन की कमी यानी चार हो गया मैंने कहा किसी ने अपने गति में दो बटे नौ बढ़ा दिया दो बटे नौ बढ़ा दिया तो आप बोलेंगे सर पहले उसकी गति नौ की थी अब उसमें दो बढ़ा दिया उसने तो अब उसकी गति कितनी हो गई ग्यारह की हो गई ये बड़ा आसान होता है हमारे लिए लिखने के लिए समझ रहे हैं मेरी बात को आप तो किसी की गति पहले कितनी थी पांच उसमें उसने दो की कमी कर दी तो गति कितनी हो गई तीन की दो स्थानों के बीच में दूरी जो है वो बराबर है तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा टाइम यानी पांच से तीन हो जाता तो तीन से क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा ठीक है और इसीलिए वो अपने गंतव्य स्थान पर तीन घंटा क्या होता है विलंब पहुंचता है और आप यहाँ देखेंगे तो पहले तीन यूनिट समय लगता था अब पांच यूनिट समय लग रहा है कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है दो यूनिट और यही दो यूनिट बराबर किसके है तो यही दो यूनिट बराबर है तीन घंटे के तीन घंटे के सवाल में बोला गया है प्रेजेंट टाइम मतलब आज फाइनल टाइम पूछा गया है तो फाइनल टाइम कितना यूनिट है भाई यूनिट का सवाल हमसे पूछा गया है दो यूनिट का मान दिया गया है और पांच यूनिट का मान हमसे पूछा है, कि कितना होगा। दो का मान दिया है, है तो आप बोलते देखो सर ये तीन घंटा जो है, ये कितने का मान है? तीन घंटा दो यूनिट का मान है कितने का निकालना है पांच का निकालना है यानी पंद्रह बटे दो यानी साढ़े सात घंटा जो है ये हमें समय लगेगा साढ़ा सात घंटा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर ठीक है दो यूनिट बराबर तीन घंटे तो पांच यूनिट बराबर कितना पांच यूनिट बराबर पंद्रह बटे दो यानी साढ़े सात घंटे ठीक कोई समस्या इस फ्रैक्शन को हमने कैसे तोड़ा वो भी देखा आपने ठीक है पांच में दो की कमी कर दी तो तीन आ गया प्रेजेंट टाइम पूछा सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि पुराना टाइम पूछा है कि नया टाइम पूछा है पुराना पूछता तो तीन का मान बताते नया पूछा तो पांच का मान बताना है हर छोटी छोटी बात को हमें देखना है ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए बोला गया शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली को 40 मिनट लेट छोड़ती है पढ़िए सवाल में शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है ठीक है आधी दूरी तय करने के बाद देखो ये सब थोड़ा बढ़िया सवाल हो गया ठीक है ये सब बढ़िया सवाल हो गया थोड़ा सवाल को पढ़ो कि आधी दूरी तय करने के बाद ठीक है वह अपने सामान्य चाल में एक बटी छे की वृद्धि कर लेती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुंच जाती है संपूर्ण यात्रा में शताब्दी द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करिए हो गया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कंसेप्टोवा देख रहे हो कंसेप्टो सेम है कौन सा कंसेप्ट है तो कंसेप्ट जो है वो सेम डिस्टेंस के ऊपर है ठीक है और उसमें भी कंसेप्ट क्या है कि स्पीड का उल्टा टाइम या टाइम का उल्टा स्पीड लेकिन इसमें थोड़ा सवाल को हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हमने बोला कि देखो दूरी तो है लेकिन आधी दूरी वो सही चली है उसमें स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी है बाकी के आधी दूरी में उसने समय बढ़ा लिया स्पीड बढ़ा लिया तो बताओ इस तरीके से पूरा समय कितना लगा लगा इस तरीके से पूरा समय कितना लगा। कुछ समय आपको दे रहे हैं सोचने के लिए बनाने के लिए बताइए बालवीराज कहते हैं गर्दा उड़ा देंगे धुआं धुआं कर देंगे आप गर्दा का बात कर रहे हैं पूरा वक्त दिया है आपको सोचो समझो बताओ बढ़िया सवाल है क्योंकि अगला जो सवाल आएगा वो इससे भी एक लेवल ऊपर का होगा इस बात को ध्यान रखो वो इससे भी एक लेवल थोड़ा ऊपर होगा बच्चा वाला सवाल बहुत करवा दिया आठवा लेवल जो है आठवा प्रश्न वो थोड़ा अच्छा लेवल का आया है सात सवाल बेसिक करवा चुके हैं हमेशा का आंसर आ रहा है बी नेहा कुमारी बी रवि कांत तिवारी बी बहुत अच्छी बात है भवेश भी 520 मिनट क्या बात है क्या बात है 520 वाले एकदम श्योर हैं भवेश भवेश अब कहते हैं नहीं सर हमारा उत्तर लॉक करिए 540 सौ चालीस है <laughs> बहुत कंफ्यूजन है चलो सवाल बनाते हैं बनाया जाए

तो आपने इसको आधा आधा कर दिया यहां पर भैया जो समय है ना यहां पर गतिवती कोई दिक्कत की बात नहीं है इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कोई परेशानी नहीं है एकदम ट्रेन फर्स्ट चकाचक चली है अपने स्पीड से चली है ना उसको अपने स्पीड को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी है ना कम करने की आवश्यकता पड़ी है कोई दिक्कत की बात नहीं परेशानी आ जाती है इस वाले पार्ट में इस वाले पार्ट में कहानी क्या होती है तो आप बोलेंगे सर इस वाली पार्ट में कहानी ऐसे होती है कि यहां पर वह अपने गति में कितना बढ़ा लेता है इंक्रीज करता है एक बटे छ तो हमने अभी आपसे क्या कहा हमने आपसे इस वाले पार्ट के लिए बात करें तो स्पीड कितना था स्पीड पहले छे था उसमें एक की बढ़त कर लिया मतलब स्पीड को सात कर लिया तो टाइम कितना लगेगा तो टाइम का उल्टा हो जाएगा अनुपात सात अनुपात छ हो जाएगा ठीक है शताब्दी चालीस मिनट लेट चली थी ठीक यहां पर अपने नॉर्मल स्पीड से चली है कोई दिक्कत की बात नहीं तो जो उसने लेट समय को कवर किया है जो उसको पूरा किया है वो किसमें किया है वो इसमें किया है क्यों क्योंकि स्पीड तो इसी वाले पोर्शन में बढ़ा है इसी वाले पार्ट में बढ़ा है समझ रहे हो मेरी बात को उसने जो है चालीस मिनट बचाया वो किसमें बचाया तो दूसरे वाले पार्ट में बचाया पहले वाले पार्ट में तो वो बचाएगा ही नहीं क्यों क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ाया ही नहीं है अगर उसको समय बचाना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा स्पीड दूसरे में बढ़ा है तो हम इसके बात करेंगे तो यहाँ पर स्पीड हमारा बढ़ा है तो समय हमारा कितना लगेगा लगेगा कम और यही हमें पता करना है कि अगर वह अपने गति को नहीं बढ़ाता तो उससे समय कितना लगता तो एक यूनिट चालीस मिनट के बराबर तो माइडियर सात यूनिट किसके बराबर सात यूनिट जो है वो तो उसका ओरिजिनल टाइम है ना तो सात यूनिट जो है वो उसका ओरिजिनल टाइम है तो सात इंटू चार कितना हो जाएगा 280 मिनट सात इंटू चार कितना हो जाएगा 280 मिनट हो जाएगा मेरी बात को समझ रहे हैं सात इंटू चार कितना हो जाएगा दो मिनट हो जाएगा क्लियर है सात इंटू चार कितना हो जाएगा 280 मिनट हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर अगर वो अपने गति को नहीं बढ़ाता तो यहां से यहां चलने में यहां से यहां चलने में उसको लगते 280 मिनट ठीक है, चूंकि उसने अपने गति को बढ़ा लिया है तो 280 में 40 मिनट कम लगे हैं मतलब 240 मिनट तो मैंने आपको कहा कि यूजुअल टाइम कितना लगेगा शताब्दी को पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में तो आप बोलेंगे सर 28 का दो गुना 560 मिनट लगेगा कितना लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में 280 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ से यहाँ आने में यूजुअल टाइम से भी 280 मिनट लगे होंगे यानी 280 का दोगुना कितना होगा 560 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सवाल में यूजुअल टाइम पूछा है और आप सभी स्टूडेंट 520 520 520 बार बार बोलता हूं दो नंबर आते आते ढाई नंबर चले जाएंगे सवाल को थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो फिर से मैं बता रहा हूं स्पीड को छ से सात किया तो समय को सात से छे कर दिया एक यूनिट बराबर है चालीस मिनट के तो सात यूनिट बराबर होगा सोसी के आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए सवाल में कि भाई ये मेरा जो है ये यूजुअल टाइम है और ये मेरा नया टाइम है या प्रेजेंट टाइम है तो अगर अपने गति में सेम गति में चलेगा 6 के स्पीड से चलेगा तो 280 मिनट लगेंगे तो 280 मिनट यहां पे और 280 मिनट यहां पे तो इस हिसाब से उसको लगेंगे 560 मिनट अगर हमारे सवाल में यह पूछता कि प्रेजेंट टाइम कितना है प्रेजेंट टाइम कितना है तो आप बोलते कि सर आज के समय में देखो यहां पे आज के समय में देखो यहां पर तो कोई गति बढ़ाया नहीं है तो यहां तो 280 मिनट लगेगा ही लगेगा यहां पर कितना लगेगा 280 मिनट क्योंकि यहां गति में परिवर्तन नहीं हुआ है रह गई बात दूसरे वाले पार्ट की यहां पर गति में परिवर्तन हुआ है और यहां पर छह यूनिट समय लगा है छह इंटू चार दो मिनट तो आप इनको जोड़ते तो आता आपका पांच मिनट तो आप बोलते कि सर पांच मिनट लगा या आप ऐसे भी कह सकते थे कि पांच से 40 घटा दीजिए तो 520 मिनट अब आपका उत्तर होगा यहां पर आप मन में सोच रहे होंगे यार 520 क्यों नहीं हो सकता है ट्रेन जो है वो तो भाई पहुंची है ना 520 मिनट में बिल्कुल ट्रेन स्टेशन पे इस क्वेश्चन के अनुसार 520 मिनट में पहुंची है लेकिन वो तब पहुंची है जब वो पहले से 40 मिनट लेट थी हमारा एग्जामिनर हमसे ये पूछना चाहता है यूजुअल टाइम का मतलब क्या होता है वो समझिए यूजुअल टाइम का मतलब होता है कि भाई अगर ट्रेन लेट ना हो ट्रेन लेट ना हो अपने सामान्य गति से चल रही हो तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा यह होता है एग्जामिनर का प्रश्न जैसे मानो कि अगर आज के समय एक रेलवे ऑफिसर है स्टेशन मास्टर है और उसको यह चेक करना है कि एक ट्रेन जो दिल्ली से गोवा तक चलती है उसको यूजुअल टाइम कितना लगता है नॉर्मल दिनों में समय कितना लगता है तो वो क्या बोलेगा नॉर्मल दिनों में अगर गति में परिवर्तन ना हो तो सात के हिसाब से दो मिनट दो मिनट यहां तो दो मिनट वहा तो 560 मिनट आया क्लियर है क्लियर है ठीक है वो अलग बात है ना कि कभी किसी दिन ट्रेन अपनी गति में परिवर्तन कर ले किसी दिन अपनी गति को घटा ले बढ़ा ले अब जैसे मानो यहां पर गति में वो एक बटे छे ना बढ़ाकर मान लो दो बटे छे बढ़ा देती तो छ से स्पीड उसकी आठ हो जाती तो समय आठ से छ हो जाता तब दो यूनिट का मान आता यूजुअल टाइम कभी नहीं बदलता है माइडियर यूजल टाइम हमेशा सेम रहता है यूजल टाइम के साथ आप परिवर्तन कर ही नहीं सकते ये सात है तो सात फिक्स रहेगा इसका जो आया वो रहेगा सेम यूजल टाइम हर पार्ट के लिए सेम होता है अगर यात्रा तीन पार्ट में है तो अगर यहां यूजुअली दस मिनट लगेगा तो उसी गति के अनुसार यहां भी दस लगेगा उसी गति के अनुसार यहां भी दस मिनट लगेगा ये होता है हमारा यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम कभी नहीं बदलता नेवर चेंज ठीक है चलो आगे देखो आगे देखो यहां पर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नाइन बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोला है एक ट्रेन जो है एक बटे चार पार्ट के दूरी को तय करने में एक रेलगाड़ी कुल दूरी का एक बटे चार भाग तय करने के बाद अपनी सामान्य चाल एक बटे तीन से कम कर देती है गंतव्य स्थान पर एक घंटा बीस मिनट की देरी से पहुंचती है तो रेलगाड़ी द्वारा संपूर्ण दूरी तय करने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए कि सामान्य समय क्या होगा बड़ा बढ़िया सवाल है बड़ा बढ़िया सवाल है सेम तरीके से है बताओ ठीक है देखो क्या बोलता है एक रेलगाड़ी कुल दूरी का एक बटे चार भाग तय करने के बाद जैसे मानो मैंने क्या कहा मैंने कहा ये हमारी हो गई कुल दूरी कुल दूरी के मान लो हमने कर दिए टोटल चार पार्ट हमारी रेलगाड़ी जो है छुक छुक गाड़ी मान लो ट्रेन जो है ये पार्ट को कवर अप कर चुकी है ये पार्ट को क्या कर चुकी है कवर अप कर चुकी है ठीक है तो वन बाई फोर पार्ट को कवर अप कर चुकी है और उसके बाद वह अपने गति में एक वटे तीन का कमी कर देती है मतलब ये जो बाकी तीन पार्ट उसको तय करने हैं इस तीन पार्ट में क्या करती है पहले अगर उसका स्पीड जो है वो तीन रहता है तो तीन में कितने की कमी एक की कमी कर देती है तो स्पीड उसका तीन से दो हो जाता है तो समय क्या हो जाएगा तो समय स्पीड का उल्टा यानी दो अनुपात कितना हो जाएगा तीन इस हिसाब से समय ज्यादा लग रहा है तो सवाल में जरूर कुछ ज्यादा दिया गया होगा तो बोलती है एंड रीचेस डेस्टिनेशन वन आवर ट्वेंटी मिनट लेट तो आप मुझे बताओ एक घंटा मिनट विलंब पहुंचती है एक घंटा बीस मिनट यानी तो आप कह सकते हो कि यही एक यूनिट का मान सवाल में अस्सी मिनट दे रखा है अगर आप बात करो कि उसको कितना टाइम लगेगा यूजल टाइम तो आप कितने यूनिट की वैल्यू बताओगे दो यूनिट की और अगर आप बताओगे बताओगे प्रेजेंट टाइम टाइम तो आप तीन यूनिट की वैल्यू बताओगे। सवाल में में क्या पूछा है है बोला यूजुअल टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस पूरी दूरी को तय करने में उसको कितना समय समय लगेगा पूरी दूरी को तय करने में कितना तो कि पार्ट है? है? तो है।, पूरा पूरा है? तो है हम अगर ये पता कर ले कि ये तीन पार्ट को तय करने में कितना समय लगा तो हम पूरे के पूरे चार पार्ट के लिए बता देंगे कि नहीं बता देंगे तो बोलोगे हाँ गुरुदेव बता देंगे एक यूनिट के लिए 80 मिनट तो दो यूनिट के लिए कितना मिनट लगेगा 160 मिनट दो यूनिट के लिए कितना 160 मिनट ठीक है एक यूनिट का मान 80 दो यूनिट का मान 160 यानी ट्रेन यहां से लेकर यहां तक कितना समय लेती है 160 मिनट ठीक है 160 मिनट लेती है यानी यात्रा के तीन भाग को तय करने में लगते हैं 160 मिनट तो बोला गया है पूरी यात्रा को तय करने में कितना लगेगा आसान है क्या है आसान है सिंपल का सिंपल बोलेंगे सर 160 मिनट लगता है ना तो वो कितने पार्ट का मान है वो तीन पार्ट का मान है हमसे बोला गया है पूरा कंप्लीट डिस्टेंस के लिए पूरे के पूरे चार पार्ट के लिए तो इसका गुना करेंगे इतना क्या हो गया मिनट हो गया और मिनट जो है इतना मिनट है और मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करोगे ठीक है इतना आपका आ चुका है मिनट इतना आपका आ चुका है मिनट अगर आप इसको घंटे में बदलना चाहते हो तो बोलोगे एक बटे तीन इंटू चार और घंटे में बदलना है तो क्या करो साठ से भाग कर दो जीरो से आपका जीरो खत्म हो जाएगा जीरो से आपका क्या हो जाएगा जीरो खत्म हो जाएगा दो से काटोगे आठ बार में दो से काटोगे तीन बार में बत्तीस बटे नौ बत्तीस बटे नौ और नौ तिर के सताइस तीन सही पांच बटे नौ घंटा ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा तीन सही पांच बटे नौ घंटा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया फिर से सवाल को समझिए अपनी दूरी में उसने कितने की की कमी कुछ क्या किया उसने कहा कि भैया वो भाग भाग ठीक है पूरी यात्रा का तय कर लिया तो हमने माना कि एक पार्ट तय कर लिया होगा तीन पार्ट बचा होगा ये तीन पार्ट में कहानी क्या हुई तो ये तीन पार्ट में कहानी ऐसी हुई कि उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया तीन से दो कर दिया अपनी स्पीड को तीन से दो कर दिया तो समय हमारा क्या हो गया समय हमारा दो से

बटे लगेगा ये मिनट में घंटे में बदलने के लिए साठ से भाग कर देंगे तो इतना घंटा चार पार्ट, में, कि हमारा एक पार्ट है, 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 है। मान लो ये चार पार्ट है सवाल में बोला गया है कि एक पार्ट ये हो गए और तीन पार्ट यहां पर ये यह हो गए यहां पर ट्रेन अपने नॉर्मल स्पीड से चलती है ठीक है लेकिन यहां पर क्या हो जाता है कि वह अपने स्पीड में कमी कर देता है कितने की कमी करता है तो स्पीड में पहले उसका स्पीड चार था तो अब अपने स्पीड को कितना कर देता है तीन कर देता है जिसके चलते समय का रेशियो कितना हो गया तीन अनुपात चार हो गया कितना हो गया तीन अनुपात चार हो गया तो ऐसा बोला जाता है देखो सेम सवाल रहेगा सेम सवाल कहा गया सवाल हमारा सवाल सेम रहेगा जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना सेम रहेगा कि एक ट्रेन एक बटे चार भाग को कवर करती है उसमें अपने स्पीड को जो है वो एक बटे चार कम कर देती है तो अब उसको दस मिनट अधिक लगता है देखो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चली यहां पर उसने अपने स्पीड को कम कर दिया चार से तीन कर दिया जिसके चलते उसको दस मिनट अपने गंतव्य स्थान पहुंचने में ज्यादा लग गए अब 10 मिनट उसको ज्यादा लग गए 10 मिनट ज्यादा लग गए मेरे भाई तो आप बोलोगे कि यहां पर स्पीड चार से तीन हो गई तो समय तीन से चार हो गया इस एक यूनिट का मान सवाल में कितना दिया गया है 10 मिनट दिया गया है तो एक यूनिट का मान 10 मिनट तो तीन यूनिट का मान कितना मिनट 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 का मान कितना तो 30 तो कितना लगा? 30 तो 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 लगा यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है तीस मिनट तीन पार्ट को कवर करने में तीन पार्ट को कवर करने में आपको लगते हैं तीस मिनट आपकी जो पूरी की पूरी यात्रा है यहां से लेकर यहां तक ये कितने पार्ट की है चार पार्ट की है तीन पार्ट के लिए तीस मिनट तो चार पार्ट के लिए उत्तर कितना आता चालीस मिनट आता बात खत्म कितना आता यूजुअल टाइम 40 मिनट आता अगर पांच पार्ट का यात्रा होता तो पांच के लिए कितना मिनट 50 मिनट इस तरीके से हमें समझना है पहले हम निकालेंगे कि भाई यहां पर यूजुअल टाइम कितना है ये तो बहुत आसान है है क्या कर क्या रहे हो एक बात बताओ बहुत टफ काम कर रहे हो बिल्कुल भी नहीं स्पीड का उल्टा टाइम हो गया ठीक है ओरिजिनल टाइम निकाल दिए कि ओरिजिनल टाइम कितना है तीस मिनट नॉर्मल सा बात है कि भाई यहां से यहां जाने में लगते हैं तीस मिनट कब लगते हैं तीस मिनट तो तीन पार्ट को कवर करने में तीस मिनट तो चार पार्ट को कवर करने में चालीस मिनट ठीक है लल्लन कुमार कहते हैं नहीं समझे सर बेटा लल्लन एक बात बताओ मेरे भाई का तुम नहीं समझो इसमें यह बताओ पहले इसमें क्या नहीं समझाइए बताओ वही करवाए सवाल है अठारह बटे पांच को पांच बटे अठारह खुद सोचो ना यार ललन एक बात बताओ हमको मान लो तुम अपनी मैडम से मिलने गए ठीक है तुमने अपने स्पीड में कमी कर दी तुम्हारा समय बढ़ जाएगा दस मिनट तुम विलंब पहुंचे अगर तुम अपने स्पीड में नहीं कमी करते कुछ भी नहीं कमी करते ठीक है तो तुम उस स्थान पे कितने मिनट में पहुंचते एक का मान दस तीन का मान हो जाता तीस मिनट में पहुंचते ठीक है 30 मिनट में पहुंचते सीधी सी बात है यानी इस यात्रा को कवर करने में लगता तुम्हें 30 मिनट ये मान लो ऐसे कि ये ये है है और मान लो 3D है, तो तुम बोलोगे कि थ्री डी को कवर करने में लगता है थर्टी मिनट ठीक है तो वन को कवर करने में लगेगा कितना मिनट टेन मिनट हमारी यात्रा जो है वो पूरा कितना है फोर डी है फोर डी डिस्टेंस है सर फोर डी डिस्टेंस है तो उसको कवर करने में कितना लगेगा चालीस मिनट या ऐसे समझ लो तीन किलोमीटर के लिए तीस मिनट चार किलोमीटर के लिए चालीस मिनट बाद खत्म ठीक है बताओ तो यहां से जो सवाल है अब हम लोग आगे करेंगे कल की क्लास में और आगे बढ़ते हैं फिर धीरे धीरे हम टाइप टू पढ़ेंगे टाइप टू भी बड़ा जबरदस्त है बहुत काम हुआ है टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये बोलू ना तो बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ है मेरे भाई ठीक है सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अर्ली अर्ली लेट लेट अर्ली लेट बहुत बेहतरीन बेहतरीन एक से एक काम हुए हैं तो शीट तो आपको हम दिलवा देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है कल तक अपलोड हो जाएगा परेशान नहीं होना है एक एक टाइप एक एक कैटेगरी तेक बनाकर रात रात भर जाकर जो ये कंटेंट बना है जबरदस्त कंटेंट बना है ठीक है ताकि आपको पूरा क्लैरिटी हम दे सकें तो फिर मिलेंगे

किसी भी टीचर को कुछ भी बोलकर उसका मोटिवेशन डाउन करना बड़ा आसान बात होता है लेकिन अगर आप ये सोचे कि हम उसको थोड़ा मोटिवेट करके रखें क्योंकि जो वो काम कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं तो बड़ा खुशी मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा इतने बेहतर तरीके से मैं चीजों को कम्प्लीट करा रहा हूँ मेरे भाई तो अच्छे से कम्प्लीट करो बढ़िया से कंप्लीट करो ट्रिक से आएगा धीरे धीरे जहां ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हम ट्रिक भी बताएंगे लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं पूरा कंसेप्ट देना चाहता हूँ तो आप कंसेप्ट पे काम करो ट्रिक तो चीजें छोटी छोटी ऐसी है कि जो लग जाए तो लग जाए ना लगे तो ना लगे ठीक है है मेंस मेंस में में ट्रिक काम काम नहीं आते में में आपके आपके काम आते आपके 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 अप्रोच और हैं सामने कैसा? बंदा खड़ा है जिसने खुद पेपर क्लियर कर रखा है एक्सपीरियंस है रैंक होल्डर का एक्सपीरियंस है ठीक है इंस्पेक्टर बनने का एक्सपीरियंस है तो मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रिक बहुत बेकार चीज होती है बहुत फालतू चीज होती है लग गई तो ठीक नहीं लगी तो कोई बात नहीं इसीलिए ठीक है हाँ क्लास नोट्स अभी अपलोड कर दीजिएगा प्रिंस कुमार क्लास नोट्स तब अपलोड होगा जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाए ठीक है उसके पहले क्लास नोट्स अपलोड नहीं होगा मैं डेली डेली थोड़ी क्लास नोट्स अपलोड करूंगा 40 क्लास होंगी पीडीएफ आपको थोड़ी अपलोड की जाएगी एक ही की जाएगी जिसमें पूरी 40 क्लास के बराबर के नोट्स होंगे ठीक है चलो तो मजा आया आप लोगों को बताइए अच्छा लगा चलिए बहुत शानदार बहुत शानदार भाई लव यू भाई लव यू दुर्गा पूजा है सर बिल्कुल भैया दुर्गा पूजा है आप ही मनाएंगे अकेले अकेले हम भी मना लेंगे <laughs> चलो मिलते हैं फिर कल रिवीजन कर लेना जितना पढ़ाया है आज ठीक है ना तो कल के बुद्धि में कुछ भी नहीं घुसने वाला है ठीक है ध्यान रखना अपना चलो